और बड़ी खबर आ रही है कूच बिहार से, जहां पर फायरिंग की खबर सामने आई है। फायरिंग में चार लोगों की मौत की भी खबर इस वक्त आ रही है और ये फायरिंग का आरोप सुरक्षा बल पर लग रहा है कि सुरक्षा बल ने वहां पर फायरिंग की। और कूच बिहार में वोटिंग जारी है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त कूच बिहार से आ रही है, जहां पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है और इस फायरिंग में चार लोगों की मौत भी हुई है इस फायरिंग की वजह से। और इस फायरिंग का आरोप सुरक्षा बल पर लग रहा है कि सुरक्षा बल ने वहां पर फायरिंग की है। कूच बिहार में फिलहाल वोटिंग जारी है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां पर फायरिंग हुई है, चार लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो जहां एक तरफ देखिए आज 5 जिलों में वोटिंग हो रही है और 44 सीटों पर ये मतदान डाले जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, वहां पर फायरिंग हुई है और इसका आरोप सुरक्षा बल पर लग रहा है। चार लोगों की मौत की खबर भी फिलहाल सामने आ रही है। वहां पर अभी मतदान जारी है, वोटिंग वहां पर हो रही है। आपको बता दें बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हिंसक झड़पों की खबर आ रही है, वहीं लॉकेट चटर्जी के काफिले पर भी अब से थोड़ी देर पहले हमला हुआ था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहीं अब जो बड़ी खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां पर फायरिंग हुई है और ये फायरिंग का आरोप सुरक्षा बल पर लग रहा है। आशिका सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। आशिका, ये फायरिंग का आरोप सुरक्षा बल पर लग रहा है और चार लोगों की मौत की भी खबर है। देखिए फिलहाल तो एक व्यक्ति के मरने की खबर थी, अब हालांकि अपडेट इस मामले में लगातार आया जा रहा है। शीतल कुची की घटना है, जहां पर जैसा कि हमने सुबह भी खबर चलाई थी कि वहां पर बवाल चल रहा था, और इसके अलावा पिछले 2-3 दिन से कूच बिहार में जो है वो हिंसा की खबरें आए जा रही हैं। सुबह भी जो हिंसा की तस्वीर सामने आई थी, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ था।